बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन कर दिया था। आज का जो हमारा सेक्शन है दैट इज अबाउट स्टील। ठीक है, अब ये जो स्टील है ये किस तरह से चलता है, यहाँ थोड़ा सा आपको गाइड करता चलो कि तीन तरह के स्टील है। नंबर एक तो माइल्ड, जिसको आप सॉफ्ट स्टील भी कहते हैं। नंबर दो मीडियम कार्बन स्टील, नंबर तीन हाई कार्बन स्टील। ये माइल्ड स्टील है सबसे पहला, इसमें 0.1 से 0.2% तक कार्बन होती है और ये डक्टाइल और मैलिएबल होता है और इससे हम हैमरिंग से मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। मैंने बताया हुआ इसे नट बोल्ट बार्स मीन सरिया, ठीक है, और बॉयलर प्लेट्स ये इससे बनती है। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज मीडियम कार्बन स्टील, इसमें 0.2 से 0.7% तक कार्बन होती है। ये जो परसेंटेजेस हैं ये याद रखिएगा, काम आती है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, तो ये मैलिएबल और डक्टाइल है, इससे क्या बनते हैं, इससे रेल पटरियां, ठीक है जी, एक्सल्स आपको पता है वो शाफ्ट होती है जिसके व्हील जो है वो चलता है। ठीक है जी, इसके अलावा कास्टिंग्स जिन्हें आप सांचे कहते हैं, ठीक है, ये इससे बनाए जाते हैं। ये आखिरी है जी हाई कार्बन स्टील, 0.7 से 1.5% तक कार्बन। ठीक है जी, ये भी मैलिएबल और डक्टाइल होता है, नहीं सॉरी ये दो तरह का है, इसकी आगे दो क्लासिफिकेशन। अगर तो लेस देन 1% है, ठीक है, तो इसकी फोर्जिंग की जा सकती है, यानी इसको डीफॉर्म किया जा सकता है, इसको मतलब है कि रीशेप किया जा सकता है, और अगर मोर देन 1% है तो फिर इसको रीशेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिखा हुआ है कैन नॉट बी फोर्स्ड। फोर्स का मतलब है उसको आप रीशेप कर सकते, ठीक है, फोर्स मीन रीशेप। ठीक है जी, इन्होंने कहा जी स्टील कंटेनिंग मोर देन 1% कैन नॉट बी फोर्स्ड, इससे हैमर्स बनती हैं, टैब्स, डाइज, कटिंग टूल्स जैसे प्लास्ट वगैरह होते हैं। ठीक है जी, हार्ड पार्ट्स ऑफ मशीनरी और सारे इंजन वो इससे बनते हैं। ठीक है जी, जो काटा नहीं जा सकता, इसकी फोर्जिंग नहीं हो सकती। अब इसके बाद ये जो स्टील है बुनियादी तौर पर ये रॉट आयरन और पिग आयरन या कास्ट आयरन जिसे आप कहते हैं ये उसके दरमियान में आता है। रॉट आयरन में कार्बन डाल के आप स्टील बना सकते हैं और ये जो पिग आयरन होता है इसमें से आप कार्बन को रिमूव करके, ठीक है जी, इसमें कार्बन ऐड करके बनाते हैं और इसमें कार्बन जो है वो रिमूव करके। ठीक है, इसके अलावा स्टील के अंदर हम डिफरेंट मेटल्स, अदर मेटल्स, ठीक है जी, वो डाल के हम इसके स्टील के डिफरेंट वेरिएंट्स यानी मुख्तलिफ वैरायटियां इसकी बना लेते हैं। ठीक है, उनमें से एक बड़ी मशहूर वेरिएंट है दैट इज स्टेनलेस स्टील। ये
जब भी हम स्टील की बात करते हैं ना, तो हमें यही स्टील नजर आता है, स्टेनलेस स्टील, जिसके हमारे यहाँ बर्तन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बात को आगे लेके चलते हैं बेटा। एक मिनट में आ रहा हूँ यार। अल्लाह का शुक्र ठीक। मुझतबा कैसे हो? मैंने कहा कसूर में दो कोरोना के पेशेंट कंफर्म हो गए हैं शेख साहब, बाजू बजा के। यस सर, कोर्ट हलीम खां में। कोर्ट हलीम खां में, तो लिहाजा घर से निकलना निकलना जरा आराम नाल बंदे दे पुत्रा बन के। ठीक है, मैं तो घर से निकला नहीं जब से लॉकडाउन है। बहुत जरूरी हो तो निकले, और अगर कोई जाता आता भी बाहर तो उसको आके पहले नहाए उसको अच्छी तरह। अच्छा चले, वापस आते हैं जनाब, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा था कि मुख्तलिफ मेटल्स डाल के तो हम मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ स्टील जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में दो मेथड है, द वन इज ओपन हार्ट फर्नेस, एंड द अदर इज बेसमर कन्वर्टर। ये जो ओपन हार्ट फर्नेस है, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, कास्ट आयरन भी, रॉट आयरन भी, और इवन स्टील का स्क्रैप। स्टील का जो स्क्रैप होता है, ये जो हमारे यहाँ गली मोहल्ले में ये लोग कलेक्ट नहीं करते, टूटा भजा लो या बेच लो, लैलन दिया जूतियाँ बेच लो, तो वो जो स्क्रैप जिसे आप कहते हैं स्क्रैप आयरन जो है वो भी इसी में, स्क्रैप स्टील जो है वो भी इसी में इस्तेमाल हो जाता है। यानी इसमें कास्ट आयरन भी हो जाता है, इसमें रॉट आयरन भी हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा स्टील का जो स्क्रैप होता है। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम, मैंने शायद आपको कल परसों भी बताई थी, ये जो सरिया है ये भी स्टील है। हमारे यहाँ जितना लोहा हमें नजर आता है फर्नीचर में, इवन खिड़कियाँ बनी हुई, ये सब के सब स्टील ही होता है। गर्डर जिसे आप गार्डर कहते हैं, टी आयरन, ठीक है, ये सब स्टील के बने हुए होते हैं। दरवाजे, मेन गेट, ये सब स्टील के बने हुए, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट मॉडर्न मेथड। मैं जरा इसकी यहाँ पे एक ड्राइंग मैं पिक कर रहा हूँ, दोस्तों के यहाँ से इसकी ड्राइंग कहीं से इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से मैं एक और चीज ओपन करता हूँ, वहां से आपको इसकी ड्राइंग दिखाता हूँ। ये आपके सामने है जी, इसको थोड़ा सा मैं शेयर कर लूं थोड़ा उधर। यस,
नजर आ रही डायग्राम? यस सर। चलिए ठीक है। Whether the most modern method of manufacture of steel carried out in open arc furnace, this is open arc furnace, ये जो portion है, ये basically furnace है, ठीक है? तो इसमें इसकी भी roof low है, आप देख सकते हैं, this is roof और ये इतनी ऊंची नहीं है, ताकि heat जो होती है, जो यहाँ से heat आती है, ये देखिए air है, ये यहाँ पे checker चैम्बर होता है ईंटों का बना हुआ, जिन्हें आप फायर ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आग लगी होती है और वो एयर को गर्म करती है और वो एयर यहाँ से अंदर इसके अंदर जाती है। तो रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट, रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट का मतलब होता है कि यहाँ से ये जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, इनको वापस भी इधर से ले लिया जाता है ताकि वो ज़ाया ना हो और उन्हीं को मज़ीद गर्म करके इधर ले आते। अच्छा, अब इसके अंदर जो लाइनिंग है, लाइनिंग ये वाली जिसके अंदर सारा कुछ पिघलाया जा रहा है, ये वाली लाइनिंग, ठीक है, ये दो तरह की होती है। नंबर एक एसिडिक लाइनिंग और नंबर दो बेसिक लाइनिंग। एसिडिक लाइनिंग लाइक सिलिका, ठीक है, और ये कब होते हैं? ये सिलिका की लाइनिंग हुई होती है उस वक्त होती है जब इम्प्योरिटीज जो हैं वो क्या हो बेटे, वो हो मैगनीज और सिलिकॉन वगैरह, ठीक है। और दूसरी तरफ है बेसिक लाइनिंग, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइनिंग होती है और उस वक्त जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एसिडिक होती हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अगर ये इम्प्योरिटीज हो तो ये वाली लाइनिंग यूज करते हैं, अगर ये इम्प्योरिटीज हो तो सिलिका की लाइनिंग सिलिकॉन। जी, द मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन स्क्रैप स्टील इज और क्विक लाइन, क्विक लाइन क्या होता है? क्विक लाइन दैट इज CaO, ठीक है, कहता है इस चार्ज इनटू फर्नेस, उसे फर्नेस में भर दिया जाता है इस जगह, ये ठीक है जी। At about 600 degree centigrade, silicon, manganese, carbon, sulfur और phosphorus जो है वो जल जाते हैं। वो कैसे जल जाते हैं? आपकी बुक में रिएक्शन दिया हुआ जी, कार्बन जल के इतने हाई टेम्परेचर पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी तरह से जो सिलिकॉन है वो सिलिका बना देती है, ठीक है, और जो मैगनीज है वो MnO बना देती है, ठीक है। अब कैल्शियम का ऑक्साइड, मैगनीज का ऑक्साइड और अगर आयरन का भी कोई ऑक्साइड हो, ये सारे सिलिका के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बन जाता है, जरा और कीजिए, कैल्शियम का सिलिकेट और ये मैगनीज का सिलिकेट और आयरन का सिलिकेट, ठीक है जी। तो कहता है फास्फोरस और सल्फर रिएक्ट कर जाती है विद Fe2O3 प्लस, कल भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, 3 moles ऑफ सल्फर, 4 mole आयरन, ये वही वाला कल वाला रिएक्शन आ गया, प्लस 3 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, गैस बन के निकल जाती है। और इसी तरह से जो फास्फोरस है वो भी Fe2O3 के साथ रिएक्शन कर जाती है, 6 moles ऑफ फास्फोरस और वो क्या बना देते हैं बेटा, 10 moles ऑफ आयरन प्लस 3 moles ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटऑक्साइड। अब
ये दोनों, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये फास्फोरस पेंटऑक्साइड, ठीक है, ये रिएक्शन कर जाते हैं विद CaO, CaO प्लस P2O5 और CaO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट्स बेटे क्या बनती हैं? यहां बन जाता है कैल्शियम फॉस्फेट और यहां बन जाता है कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। और ये जो है ये दोनों फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सैंपल्स आर विड्रॉन एट द इंटरवल और फिर उसमें यहाँ से ये जो टैप होल बना हुआ ना, ये देखिए ये यहाँ से सैंपल्स निकलते हैं और वो जो सैंपल्स निकलते हैं और ये जो स्लैग होता है ये फर्टिलाइजर, ये भी स्लैग है, ठीक है जी, ये भी स्लैग है। ये स्लैग क्या होता है, यहाँ ऊपर ऊपर आ जाता है और वहां से हम इसको रिमूव करते हैं बाय स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर से ऐसे उठा लेना जैसे दूध के ऊपर से बलाई जो है वो उठा ली जाती है, उसको हम कहते हैं जो स्लैग है दैट हैज बीन स्किम्ड ऑफ, उसको ऊपर से ही उठा लिया गया है, ठीक है। फिर इसमें कार्बन की परसेंटेज सेट करने के लिए एक मटेरियल ऐड किया जाता है दैट इज नोन एज फेरो मैगनीज। वो फेरो मैगनीज क्या होता है, उसमें Fe भी होता है, Mn भी होता है और कार्बन भी होती है और इसकी मदद से हम क्या सेट करते हैं, हम परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक हो गया जी। तो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो 10 घंटे लेता है, ठीक है। तो इसके बाद जो स्लैग होता है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसको पीस के इसको फर्टिलाइजर के तौर पे, ठीक है। आज इतने पे इक्तफा कर लें, ठीक है, बाकी बातें हम फिर कल करेंगे। बेस्ट वर्क प्रोसेस हम कल, ठीक हो गया जी। लो जी इसको आप कैसे सेव करते हैं यार, जैसे बुक में सारे रिएक्शंस तो दिए हुए हैं लेकिन चलो यहाँ से करके देख लेते हैं क्या कहता है। अच्छा जी स्क्रीन से, ठीक है, आ गया जी वाले। ओके मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपका हम नासिर।